हेलो रिवान वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे फेवी पिराविर टैबलेट्स के बारे में और सीखेंगे उसके बारे में डिटेल में तो हम सबसे पहले जानेंगे कि उसका बेसिक यूज़ वगैरह क्या है डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी करेंगे और जानेंगे उसके मेकेनिज्म डोज कॉन्ट्रा इंडिकेशन साइड इफेक्ट्स एंड प्रिकॉशंस वगैरह के बारे में ये वीडियो लेक्चर के अंदर तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ़ फार्मरॉग्स थैंक यू फॉर बीन वन लेक फैमिली ऑफ फार्मर ऑग्स अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज़ वीडियो लेक्चर फार्मरॉग्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो अब समझिए सबसे पहले कि फेवी पिराविर के टैबलेट्स क्या है तो फेवी पिराविर जो हम मेडिकेशन को समझे तो वो एंटी वायरल है एंड इट वर्क बाय इनहिबिट द वायरल आरएनए एन रेप्लीकेशन एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर वायरस तो जो वायरस का जो आरएनए होता है उसका रेप्लीकेशन की जो प्रोसेस होती है उसको इनहिबिट करके ये मेडिकेशन अपनी एंटी वायरल इफेक्ट जो है वो आपको देती है तो फेवीपेराविर की जो एंटी वायरल है एंड इट इज़ एक्शन इज सिमिलर टू रेमडेसिविर कीजिए कि जैसे रेमडेसिविर का जो एक्शन है सेम लाइक्स है इसकी भी एक्शन बट ये मेडिकेशन जो है वो सिर्फ औरटिव है जिसके कारण फेवी पिराविर के जो टैबलेट्स है वो आपको मिलते हैं तो मार्केटेड फॉर्मुलेशन में आप देखोगे तो फेवी पिराविर के सिर्फ टैबलेट डोजेस फॉर्म ही डिज़ाइन है बिकॉज ये सिर्फ औरली ही इफेक्टिव है एंड टैबलेट डोजिस फॉर्म आर अवेलेबल टू ट्रीट द कोविड नाइन्टीन पेशेंट विथ माइल्ड सिम्टम्स की जो माइल्ड सिम्टम्स वाले कोविड नाइन्टीन के पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए यह फेवी पिराविर के जो टैबलेट्स है वो यूज़ किया जाते हैं तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट दिस मेडिकेशन फेवी पिराविर आगे जानते हैं डिटेल में उसके अलग अलग ब्रांड्स तो फेवी पीवर की जो फेबी फ्लू करके उसका ब्रांड है कि जो ग्लैनमार्क का अपना मार्केटेड फार्मुलेशन है फेवी फ्लू की जो आप ये टैबलेट्स देख सकते हैं कि जो 34 फोर टैबलेट्स का जो कोर्स रहता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद फेवीपीराविर की ये जो टैबलेट्स की जो ल्यूपिन ने डिज़ाइन की कि जिसके अंदर 50 टैबलेट है फाइव इंटू टेन टैबलेट्स का ये पूरा जो है बॉक्स आप देख सकते हैं कि जिसकी स्ट्रेंथ है टू मिलीग्राम कि जिसको उसने ब्रांड नेम दिया है को हॉल्ट करके फिर फेवी वीर करके जो है वो हिट्रो हेल्थ केयर का देख सकते हैं आप यहाँ पे कि फेवी वीर करके है फेवी पीरावीर का सेम कंटेंट उसके अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट तो फेवी पीरावीर ही है बट ये अलग अलग कंपनीज के अपने अलग अलग ब्रांड नेम और एविगेन करके आप यहाँ पे देख सकते हैं फेवी पिराविर के टैबलेट्स बाय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी तो अलग अलग जो फे फेमस के जो टॉप फार्मा कंपनीज जो है वो ये अलग अलग ब्रांड नेम से उसको जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसका जो है वो सप्लाई करती है कोविड नाइन्टीन के माइल्ड टू सीवियर जो सिम्टम्स वाले जो पेशेंट होते हैं माइल्ड सिम्टम्स वाले उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है तो उसके मेडिकिनल सिनल यूज़ हम समझे तो फेविपिराविर हैज़ बिन अप्रूवल टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा इन जापान इन ट्वेंटी तो सबसे पहले 2014 की हम बात करें तो इन्फ्लुएंजा जो वायरस की जो बाजू के अंदर डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस जो था उसके कारण जो होने वाली जो इन्फ्लुएंजा जो डिसीज़ थी कि वो भी एक रेस्परेटरी ट्रैक रिलेटेड ही डिसऑर्डर है तो उसको ट्रीट करने के लिए फेवी पिराविर जो जापान में अप्रूवल किया गया था एंड इट इज़ हवेवर ओनली इंडिकेटेड फॉर नोवेल इन्फ्लुएंजा कि जो नोवेल इन्फ्लुएंजा जो था कि जो सीजनल इन्फ्लुएंजा के कंपेल में जो उसके जो स्ट्रेंथ थे वो काफ़ी अलग थे तो उसकी जो सीवियर केसेस मिलते थे नोवेल इन्फ्लुएंजा के कि उसको ट्रीट करने के लिए फेवीपिराविर जो है वो यूज़ किया जाती थी एंड अभी जो हम लेटेस्ट देखे द फॉर कोविड नाइन्टीन मोस्ट पेशेंट एग्जिबिट माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स कैन बेनिफिट फ्रॉम यूज ऑफ फेवी कि जो ऐसे पेशेंट के जिनके सिम्टम हम माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स जो कहे जाते हैं कि जितने काफ़ी सीवियर नहीं है बट मॉडरेट कंडीशन है माइल्ड कंडीशन है तो ऐसे पेशेंट को यह फेवी पिराविर के टैबलेट्स दिए जाते हैं कि जो भी एक कोरोना वायरस का जो नोवेल उसका जो स्ट्रेन है कि जैसे नोवेल इन्फ्लुएंजा उसी तरह से नोवेल कोरोना वायरस की जिसको हम कोविड नाइन्टीन कहते हैं उसके ट्रीटमेंट में ये फेवी पिराविर के टैबलेट्स यूज़ किए जाते हैं उसकी हिस्ट्री समझे तो इट uh, is being डेवलप एंड manufactured बाय तोयामा केमिकल ग्रुप कि जिसको फुजी फिल्म कहा जाता था जापान के अंदर 2014 में अप्रूवल मिला कि जैसे हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जापान के अंदर 2014 में इन्फ्लुंज़ा के ट्रीटमेंट के लिए उसको अप्रूवल किया गया है तो उसी वक्त जो वहाँ की जो कंपनी थी तोयामा करके और उसको फूजी फिल्म ग्रुप जो कहा जाता था उन्होंने ये सबसे पहले वहाँ पर डेवलप किया के अंदर फिर 2014 में फूजी फ्राम लाइसेंस द ए पी आई फॉर इट टू जैगन हिसुम फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑफ चाइना एंड इट बिकम जेनरिक ड्रग इन 2019. फिर 2019 में उसका जेनेरिक वर्जन जो है वो लॉन्च हुए और उसी के कारण जो भी हम देख सकते हैं कि जो उसके अलग अलग मार्केटेड फॉर्मूलेशन इंडिया में भी अवेलेबल है इट इज़ ड्यू टू दिस अप्रूवल ऑफ़ जेनेरिक वर्जन इन ट्वेंटी तो फैविपिराविर की हम मेकेजम समझे तो मेकेनिज्म ऑफ इट्स एक्शन इज थ्रू टू बी रिलेटेड टू द सिलेक्टिव इनहिबिशन ऑफ वायरल आर एन ए डिपेंडेंट आर एन ए कि जो वायरस का आर एन ए होता है तो वायरस का जो आर एन ए होता है उसके अंदर एक जो एंजाइम होता है ये आर एन ए डिपेंडेंट आर एन ए अब ये एंजाइम की जरूरत किसी भी वायरस को होती है अपना जो रेप्लिकेशन करना है कि आर एन ए की रेप्लीकेशन के लिए ये ऊपर जो हमने बात की वो एंजाइम की खास ज़रूरत होती है अगर समझो कि ये एंजाइम ही इनहिबिट हो जाएगा तो उसके कारण आगे इनहिबिशन हो जाएगा वायरस के रेप्लीकेशन का और साथ साथ उसकी ग्रोथ भी हो जाएगी इनहिबिट अदर रिसर्च सजेस्ट दैट एट इंड्यूस द लीथल आरएनए ट्रांसवर्जन म्यूटेशंस एंड प्रोड्यूसिंग नॉन वाइबल वायरल फिनोटाइप्स तो ये भी उसके इम्पॉर्टेंट है कि क्या करती है नॉन वाइबल वायरल फिनोटाइप्स जो है वो प्रोड्यूस करती है वायरस के अंदर एंड फेवीपिराविर इज़ ए प्रो ड्रग दैट मेटाबोलाइज टू इट्स एक्टिव फॉम फेविपिराविर रेबोफ्यूरानोसिल फाइव ट्रिप्टोफॉसपेट कि जिसको फेवीपिराविर आर टी पी कहा जाता है तो फेवीपिराविर जो है वो यूजली प्रो ड्रग है बट वो उसके एक्टिव फॉर्म फेवी फिराविर आर के अंदर जो है वो मेटाबोलाइज होके कन्वर्ट होती है उसके एक्टिव फॉर्म के अंदर एंड अवेलेबल इन बॉथ ओरल एंड इंट्रावेनस फार्मुलेशन बट उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो सबसे ज़्यादा औरल है जिसके कारण हम ओरल यूज उसके जो टैबलेट्स वगैरह जो है वो अभी मार्केटेड एड फार्मुलेशन के अंदर देख सकते हैं तो यहाँ पे आप मेकेनिज्म उसके देखो तो जो हमने बात की कि वायरस का आरएनए डिपेंडेंट आर एन जो एंजाइम है उसको सिलेक्टिवली क्या करता है इनहिबिट तो यहाँ पे जो बाजू में डायग्राम है उसके अंदर आप खास समझो कि जो अलग अलग वायरस है कि जो प्लांट वायरसेस होते हैं मैच्योर वायरियंस होते हैं तो वो तो बाद में डेवलप होते हैं बट सबसे पहले प्लांट वायरस फिर वायरस का जो अटैचमेंट फिर वो समझो कि, कि किसी भी होस्ट सेल के अंदर एंटर होता है कि वायरस एंटर इन द होस्ट सेल फिर वहाँ पर रेप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप होता है रिलीज ऑफ वायरल जीनोम एक्सप्रेशन ऑफ वायरल फैक्टर्स फिर वो वायरस का अच्छे से रेप्लीकेशन हो जाता है और उसके अंदर ये अलग अलग एंजाइम कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पेरासिसम न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट वगैरह के अंदर जो है उसको हेल्प मिलती है किसी भी होस्ट के अंदर बिकॉज वायरस क्या करते किसी भी होस्ट बॉडी के ही अलग अलग ऑर्गेनल्स को यूज़ करके अपना जो मटेरियल है वो डेवलप कर देंगे जिसको हम कहते हैं कि आर एन वग़ैरह तो उसके लिए जो जरूरी है जो एंजाइम है ये ही इनिबिट कर देती है ये मेडिकेशन एंड इनिबिट द वायरल आर एन रेप्लीकेशन एंड इनहिबिट द ग्रोथ अभी एंजाइम नहीं होगा तो आगे ये जो प्रोसेस के जो स्टेप्स होते हैं वो कम्प्लीटली ऐसे स्टॉप हो जाते हैं कि ये जो प्रोसेस होती है वो स्टॉप आ जाती है जिसके कारण ये जो वायरल रेप्लीकेशन है वो अटक जाएगा जिसके कारण आगे जाके जो ये एक वायरस जो एंटर हुआ था बॉडी के अंदर फिर जो मल्टीप्लीकेशन हो के आप देख सकते कि ये चार वायरस तैयार रहते ये एक था एक में से ये चार बन गए तो वो प्रोसेस जो है वो आगे आगे जाके क्या हो जाएगी कंप्लीटली इनहिबिट हो जाएगी थर्स इनहिबिट द वायरल आर एन रेप्लीकेशन एंड इनहिबिट इट्स ग्रोथ एंड अदर रिसर्च सजेस्ट दैट फेवी पिरा इंक्लूड द लीथल आर एन ए ट्रांसवर्जन म्यूटेशंस एंड प्रोड्यूसिंग नॉन वायबल वायरल फिनोटाइपिन वायरस की जिसके कारण उसकी आगे जाके ग्रोथ जो है वो काफ़ी कम हो जाती है और धीरे धीरे उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है किसी भी होस्ट बॉडी के अंदर तो उसके साइड इफेक्ट्स भी है कुछ तो कार्डियो वास्कुलर साइड इफेक्ट्स हम देखें तो चेस्ट पेन होता है उसके कारण कि जो भी पर्सन्स फेवीपिराविर के ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनको ये कॉम्प्लिकेशनस होते हैं कि चेस्ट पेन जैसा होता है कि जब उनके ये मेडिकेशंस वो लेते हैं तो ये उसकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिलेटेड एक मेजर साइड इफ़ेक्ट हम कह सकते हैं सेकंड हम देखें तो एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक साइड इफ़ेक्ट के तौर पे हाइपर यूरी की जो आप यूरिन देखो तो यूरिन के अंदर जो यूरिक एसिड का जो कंटेंट है वो होगा इंक्रीज़ होगा कि यूरिक एसिड का जो कंटेंट यूरिन के अंदर इंक्रीज़ होता है जिसको हम कहते हैं हाइपर यूरीसेमिया तो हाइपर यूरिसेमिया का प्रॉब्लम हो सकता है पेशेंट्स को उसके बाद हम देखें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिलेटेड तो भूख कम हो जाना मतलब कि डिक्रीज इन एपेटाइट साथ, हो साथ डायरिया हो सकता है पेशेंट्स को नोजिया एंड वॉमिटिंग जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप होते हैं हिमेटोलॉजिकल एंड ऑन्कोलॉजिकल हम देखें तो डिक्रीज हो गए न्यूट्रोफिल्स कि जो डब्ल्यू बी सी जो हम कहते हैं कि वाइट ब्लड सेल के जो कंपोनेंट और उसमें भी ये स्पेशली जो न्यूट्रोफिल्स है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं पर्सन के बॉडी के अंदर तो ये एक होता है डब्ल्यू बी सी का जो कंटे मेन कंपोनेंट है न्यूट्रोफिल वो डिक्रीज होना हिपेटिक में हम देखें तो हिपेटिक इंजरी जो है वो हो सकती है उसके कारण एंड इंक्रीज इन सीरम ट्रांसमिनेस तो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि हिपेटिक इंजरी मतलब कि आपका जो ये लीवर है उसको भी वो अफेक्ट कर सकता है कि समझो कि काफ़ी लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट चलती है फेविपिराविर से तो लीवर के ऊपर भी असर हो सकती है एंड इंक्रीज हो सकता है सीरम ट्रांस एमिनेजिस तो ये सब अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप होते हैं फेविपिराविर के कारण आगे समझो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग ये सबसे बड़ा उसका कॉन्ट्राइडिकेशन है एंड देर इज एविडेंस दैट यूज़ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में रिजल्ट इन हार्म टू द बेबी कि जो प्रेग्नेंसी के दौरान समझो कि कोई उसको यूज़ करता है तो बेबी के ऊपर उसकी असर पड़ सकती है जिसके कारण वो कॉन्ट्राइंडिकेशन के लिस्ट में एज वेल एज जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी उसको कॉन्ट्राइंडेशन के लिस्ट में रखा गया है जिससे प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो उसको यूज़ ना करे तो डो नॉट यूज़ डो नॉट यूज़ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसके बाद बात करें तो मस्ट अवॉइडिड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फिर जिसको हाइपर सेंसिटिविटी है फेरा फेविपिराविर की और सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट ऐसे पेशेंट की जिसका रीनल इम्पेयरमेंट है मतलब कि ऑलरेडी रीनल मतलब कि किडनीज उनके डैमेज है उसका मतलब ये होता है किडनी जो है वो डैमेज होना कि जिनके किडनीज वगैरह डैमेज है वो भी उसको यूज़ ना करें और जिनका हिपेटिक एम्पेरमेंट है मतलब कि जिनका लीवर ख़राब है तो ऐसे पेशेंट को ये देने से उनकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है कि लीवर इंपेरमेंट है तो और ज़्यादा लीवर ख़राब होगा किडनी डैमेज है ऑलरेडी और ये लेने से और किडनी और ज़्यादा ख़राब होगी तो ये कॉम्प्लिकेशन से और दूसरा हाइपर सेंसिटिविटी अगर किसी को फेविपिराविर की ऑलरेडी हाइपर सेंसिटिव मतलब कि ये लेने से कोई एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप होते हैं वो पर्सन के अंदर तो वहाँ पर आप उसको नहीं दे सकते प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान तो जो मैं ये येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ वो पॉइंट आपको खास याद रखने हैं अबाउट द फेवी के जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर है कि डू नॉट यूज़ वैन द पर्सनस आर सफरिंग फ्रॉम रीनल एम्पेयरमेंट हिपेटिक एम्पेरमेंट हाइपर सेंसिटिविटी टू पिराविड और द प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग कंडीशन तो उस कंडीशन में उसको कंप्लीटली जो है वह आप अवॉइड करें फिर बात करें उसके प्रिकॉशंस की तो कुछ लोग क्या करते हैं उसका सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं ऐसे लगता है कि समझो कि उसको कोविड रिलेटेड कोई सिम्टम्स है और समझो कि वो कहीं से भी उसको अवेलेबल करवा के खुद से सेल्फ मेडिकेशन करे तो ये काफ़ी गलत होगा बिकॉज फेवी फिरवीर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है उसके कंटेनर से ऊपर आप देखना तो आर एक्स ऑनली ऐसा लिखा होता है आर एक्स लिखा होता है ख़ास तो जब मेडिकेशंस के ऊपर आर एक्स लिखा होता है मतलब कि ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है बिना प्रिस्क्रिप्शन के उसको यूज़ करना आपके लिए हो सकता है काफ़ी डेंजरस सो इट इज़ यूज विथ प्रॉपर गाइडेंस एंड अंडर द मेडिकल सुपरविजन सो डोंट डू द सेल्फ मेडिकेशन उसको सिर्फ आपको प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के डायरेक्शन के साथ ही लेना होता है सो इट इज़ डेंजरस टू टेक सेल्फ विदाउट डायरेक्शन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल की जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के डायरेक्शन के बिना उसको आप समझ कि सेल्फ ले लेते हैं खुद से ही ले लेते हैं तो वो हो सकता है आपके लिए डेंजरस एज वेल एज वो जानलेवा भी हो सकता है सो डोंट डू द सेल्फ़ मेडिकेशन तो ये है उसके प्रीकॉशंस बिकॉज आपने देखा कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं अगर आपको उसके डोज पता नहीं है प्रॉपर किस तरह से किस कितने टाइम तक लेना है वो प्रॉपर नॉलेज नहीं है और कैसी कंडीशन में प्रॉपर लेनी है कितने टाइम लेनी है प्रॉपर साथ साथ आपके वाइटल साइंस वगैरह भी चेक कर करते जा, जाते हैं तो ऐसे अंडर मेडिकल सुपरविज़न के अंदर ही उसको यूज़ किया जाता है ये लिखो लिखा हुआ पॉइंट आप खास पढ़िए कि इट इज़ यूज विथ प्रॉपर गाइडेंस एंड अंडर मेडिकल सुपरविज़न कि जब पूरे आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो मेडिकल सुपरविज़न पूरा आपके ऊपर हो रहा है उसी वक्त जो है वो प्रॉपर आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के डायरेक्शन और एडवाइस के अकॉर्डिंग टू ही फेवीपिराविर की जो है वो ट्रीटमेंट होती है सो कोई भी व्यक्ति उसका सेल्फ मेडिकेशन ना करें तो ये है उसके लिए प्रिकॉशंस एज वेल एज वार्निंग्स तो यहाँ पे हमने सीखा फेवीपीराविर के बारे में फार्मारॉक्स के जो लेक्चर नोट्स आप फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर एक्सेस कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट